नमस्कार सभी दर्शकों को भी भारत चैनल पर। इस वक्त आपको मैं उस दर्दनाक घटना के सामने पहुंच चुका हूं जहां पे कल पूरे एक बड़ी घटना जो आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक आपने देखा और लगातार जो है वो जो घटना पर किस तरह से अब तक जो है क्या उस पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किस तरह से उनको अब तक अंकुश लगाया गया है और किस तरह से उनको मदद मिल पाया है। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हजारीबाग जिला टाटीझरिया थाना अंतर्गत सिवान नदी के नाम से जहाँ पे जहाँ नतन सिवानी नदी के नाम से उस नदी के समीप में मैं खड़े हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग अभी भी प्यास लगा रहे हैं और इस जगह में दर्दनाक इस घटने को महसूस कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की जो बस यहाँ पे हादसा हुआ इस खाई में गिरा इसके तहत आज भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और बिल्कुल यहाँ पे आज भी इस नजारा को प्यास लगा रहा है कि आखिर इस तरह की जो बस हादसा इस जगह में हुआ। बहुत बड़ी एक बस हादसा इस जगह में माना जा रहा था जैसा कि अब तक 9 लोगों को बिल्कुल हाथ की बिल्कुल सूचना आ चुका है और बिल्कुल इस तरह से जो है कल यहां से इसी वक्त का घटना है। लगभग 24 घंटा बीत चुका है और बिल्कुल यहां से बस गुजर रही थी। मैं बता दूं आपको कि गिरिडीह से रांची ये बस रवानगी हुई थी लेकिन रास्ते में अनियंत्रित बस होने के बाद इस नदी में आप महज देख सकते हैं इस नदी का गहराई कि किस तरह से ये नदी का गहराई है, कितनी गहराई है वो आप आकलन कर सकते हैं कि लगभग 30 फीट नीचे इस खाई में जाके बस गिरे और इस बस में कैसे ब्रेक लगाया गया है तस्वीर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ब्रेक लगा करके बस को कंट्रोल करने की चालक के द्वारा बिल्कुल तैयारी किया गया था लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि सड़क में किस तरह से ब्रेक लगाने का कोशिश किया गया था और ब्रेक लगाने के बाद भी बाल बिल्कुल बचाने का प्रयास किया और डिवाइडर से जाकर टकराया और डिवाइडर से टकराता हुआ आप तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे हैं डिवाइडर का ये दृश्य। और ये आप तस्वीर में इस तरह की तस्वीर जो आपके सामने में दिखाता हुआ सिवानी नदी के नाम से जाना जाता है टाटीझरिया प्रखंड अंतर्गत टाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत की इस तरह की मामला है जो यहाँ पे अब बस को बाहर निकाल लिया गया है और यहाँ पे नदी का जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल था लेकिन जहाँ पे बस गिरी जहाँ पे बस का बिल्कुल जहाँ पे गिरना था वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी तरह से कुछ भी नहीं और बिल्कुल सूखे में जाके बस गिरा और इसके बाद बस में सवार 54 लोग थे और 54 लोग में अब तक जो है बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि रांची से अब तक जानकारी जो मिल पा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 9 लोग की बिल्कुल हाथाहाथ पहुंच चुके हैं और अभी भी जो है 45 लोगों घायल हैं और वैसे में घायल अवस्था में लोगों के साथ इलाज जारी है लेकिन देखना है कि क्या 35 लोगों को इलाज सही हो पाता है या फिर उनके साथ भी इलाज में कहीं होते हुए उनके साथ भी कहीं ना कहीं हाथाहाथ देखने को मिलेगा। और लगातार मैं आपको इस चीज का खबरें दिखाने का कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं आपको जानकारी दूं कि गिरिडीह से जो बिल्कुल तमाम लोग निकले हुए थे गिरिडीह का लोग थे जो बताया जा रहा है सिख समाज के लोग थे और जो तमाम लोग रांची के लिए रवानगी हुए थे रांची में जाकर के एक कीर्तन में शामिल होना था और उस कीर्तन में निकले हुए थे तमाम लोग। 1:30 बजे का कयास लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 1:30 बजे से बस छोड़ा गया था गिरिडीह से और बस जो है यहां तक आते आते इस तरह की घटना देखा गया। अभी भी जो है पब्लिक सिटी इस जगह में लोग जब गुजरते हैं तो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे ब्रेक करके रुकते हैं और देखते हैं मुआयना करते हैं कि आखिर इस बस को कैसे इस जगह में गिरा। और जो दर्दनाक घटना यहाँ पे देखा जा रहा था काफी बिल्कुल महसूस किया जा रहा है कि हजारीबाग जिला में इस तरह की बहुत बड़ी एक घटना को देखा गया और बिल्कुल कल जो पूरे भारत में विश्वकर्मा पर्व लेकर के पूरी तैयारी चल रहे थे और वैसे में विश्वकर्मा पर्व को लेकर के भी पूरे हजारीबाग जिले में अलग रौनक देखा जा रहा था लेकिन जब ये घटना का पूरे इलाके में सनसनी फैला तो पूरे इलाका बिल्कुल दहशत में हो गया और इस तरह की जो है बस के मामला में तमाम लोग जुट चुके हैं और उनके साथ राहत के लिए एकाएक लोग गुजर रहे थे। तस्वीर में आपको लगातार हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आज भी यहाँ पे लोग मौजूद है और क्यास कर रहे हैं यहाँ पे काफी संख्या में कुछ लोगों से स्थानीय लोगों से भी हम जुड़ने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कैसे इस तरह के अंजाम को देखा गया। और यहाँ पे
काफी संख्या में है। बिल्कुल आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों से मैं जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर इस तरह की जो मामला यहां पे देखा गया कैसे हुआ था, और यहां से गुजरने वाले काफी लोग गुजर रहे हैं, प्यास लगा रहे हैं। हमारे साथ एक जुड़ने का हम कोशिश करेंगे इस वक्त में। भैया आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे कि इस तरह की बस यहाँ पे हुआ अनियंत्रित और इसमें जो हुआ, आप भी महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बस सुबह बस इसी तरह से पता चला कि दारू में जो है सो एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, छः लोगों की हेल्प अब तक के 9 लोगों के बिल्कुल सूचना आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो बस अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? जो अभी हम तो हजारीबाग जा रहे हैं, हजारीबाग जा रहे हैं, लेकिन बोमिया से लौट रहे हैं, हजारीबाग जा रहे हैं, हम हजारीबाग में रहने वाले हैं। ये तो माना जा सकता है कि हजारीबाग जिला में एक बड़ा घटना, बहुत बड़ा घटना है। पहली बार इस तरह घटना हम सुने हैं कि अचानक घटना जाए, और खासकर के विश्वकर्मा पूजा के दिन पर ऐसा अगर होता है तो थोड़ा सा मन में ज़्यादा बहुत तकलीफ होता है कि इस तरह घटना कैसे घटेंगे। जी अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, मैं न्यू कॉलोनी कुमटो की जगह में रहता हूँ। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त में मैं जायजा लेता हुआ कि आखिर जो यहाँ से गुजर रहे हैं स्थानीय लोग गुजर रहे हैं या फिर गिरिडीह से आने वाले लोग गुजर रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करके जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस तरह के मामला यहाँ पे देखा गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल जब गिरिडीह से बस बिल्कुल यहाँ से खुली बस, तो बिल्कुल यहाँ पे महज करीब बताया जा रहा है कि 3 बजे या 4 बजे के बीच में इस तरह की मामला देखा गया, और 4 बजे लोग बता रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है भैया? अच्छा, बस उस टाइम में गिरा होगा, कैसा महसूस कर रहे थे? यहाँ पे प्रशासन लोग पहुँचे हुए थे, बाद में प्रशासन पहुँचे लेकिन उन लोग को उठाया गया। यहाँ पे क्या वैसे स्थिति में किसी को इसी तरह वैसे स्थिति में किसी को यहाँ पे कुछ हुआ था क्या आप लोगों के सामने? यहाँ पे भी इंजोर्ड होकर के हाथ पहुँचा हुआ था और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा। आप कहाँ पर आए? तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि कल की जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, कैसे स्थिति बना हुआ था, बिल्कुल आप कैमरामैन सहयोग से मैं कहूँगा कि आप तस्वीर को उस चीज को दिखाएं कि आखिर यहाँ पे कैसे इस तरह की घटना का बिल्कुल जायजा। बिल्कुल यहाँ पे तस्वीर, इस तरह की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त में आपको मैं जानकारी दूँ कि कल जो है गिरिडीह से बस खुली हुए थे और गिरिडीह से बस रांची की ओर रवानगी हुए थे। बस में सवार कुल 54 लोग थे और उस बस में जो अब तक हाथाहाथ हुआ है वो 9 लोगों की सूचना मिल पा रहे हैं, और ये इसी सड़क से होता हुआ बिल्कुल आ रही थी बस जो आप तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां बिल्कुल हजारीबाग की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और इसी तरह से कल जो है बस यहाँ पे आ रही थी और वो बस जो है अनियंत्रित होकर के डिवाइडर में टकराते हैं और बस खाई में जाकर के गिरती है, और बस में सवार लोग 54 थे, उसमें तमाम लोगों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीण के द्वारा उनको बिल्कुल यहां से राहत देता हुआ एम्बुलेंस में और बस की सहारे लेकर के तमाम लोगों को हजारीबाग पहुंचाने का काम किया। जैसा कि आपको मैं बता दूं, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज सदर हजारीबाग में भी पहुंचाने का कोशिश किया, साथ ही साथ क्षेत्रीय हॉस्पिटल में पहुंचाने का कोशिश किया और आरोग्यम हॉस्पिटल में, और जो उससे बाहर के बिल्कुल जिनका पोजीशन खराब था, ज़्यादा गंभीर थी, उनको रांची रेफर किया गया। और मैं कल की जानकारी आपको दूँ कि जिस तरह से नैन्सी सहाय हजारीबाग उपायुक्त महोदया नैन्सी सहाय ने घटना को सूचना पाते हुए ही वो सामने हुई, और जैसा कि एसपी क्षेत्रीय एसपी मनोज रतन चौधरी जी मौजूद हुए और दोनों ने जिस तरह से डट करके तमाम लोगों के साथ जिस तरह से घटना हुआ था उनके साथ बिल्कुल जुड़ करके प्रयास में रहे कि उनको एक बेहतर स्वास्थ्य इलाज हो, और डट कर बैठे रहे, और वहां के स्थानीय विधायक भी मनीष जायसवाल पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ सांसद भी जयंत सिन्हा भी पहुंचे हुए थे और जायजा लेते हुए तमाम लोगों को एक राहत दिलाने का कार्य कर रहे थे। और इसी जगह वो तस्वीर आपको मैं फिर से दिखा दूं कि महज कैसे ये इस जगह में बस इस तरह से हुआ था, और बस में सवार कुल 54 लोग थे, जहां पे तमाम 54 लोगों में जो स्थितियां
45 लोगों का गंभीर बताया जा रहा था। और अब तक के जो बड़ी सूचना मिल पाया है वो अब तक है करीब करीब 9 लोगों की हाथाहाथ हो चुके हैं। और हाथाहाथ में अब तक जो है, यहाँ पे मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैच इसी वक्त बिल्कुल 24 घंटा बीत चुका है और इसी समय इसी वक्त जब ऐसा हुआ होगा घटना, तो कैसे यहाँ पे लोग चिल्लाते होंगे। आप देख सकते हैं कि दूर दराज तक बिल्कुल कोई गांव इलाका नहीं दिखता है, जो आप तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे हैं। आप तस्वीरों में चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल किसी तरह का कोई दुकान या फिर वैसे कोई इलाका नहीं है। बिल्कुल ये नदी शिवानी नदी के एक नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पे प्रवेश यहाँ से क्रॉस किया हुआ और इस जगह में तमाम लोग जो है उस वक्त कैसे महसूस करते होंगे। तमाम लोगों की आवागमन हो रहा होगा, काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ की दुकानें होती थी और बिल्कुल जो है इस तरह की राहत दिलाने का काम किया गया। अभी भी जो है यहाँ पे काफ़ी लोग क्यास लगा रहे। जी क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे थे यहीं से गिरा था भैया बस। हाँ जी हाँ, इसी जगह से बस। आदमी ये हुए हैं भैया? अब तक के जो हमारे तक जानकारी है 9 लोगों की हाथाहाथ हो चुके हैं बिल्कुल उनके साथ। तो उन लोग कहाँ कहाँ से थे? बिल्कुल सब गिरिडीह से ही बताया जा रहा है। कुछ परिवार रांची से भी थे और सिख समाज के सब लोग थे। लेकिन क्या आप कहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त में? अभी तो हम हजारीबाग जा रहे हैं, लेकिन देख के बहुत अफसोस लगा हमको। क्या कल की जब आप घटना सुने होंगे पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर? बहुत संवेदना प्रकट करते हैं उन आत्मा को, उनको साथ में सभी को, है ना, जितने भी डेथ किए हैं, है ना। हमको अच्छा नहीं लगा, हमें बहुत दुख लग रहा है। और क्या बोले है ना, मैंने कि हम मैंने अपने आप में मैंने बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रभु से कामना है मेरा। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोगों से मैं लगातार जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त हजारीबाग जिला काटीझरिया थाना क्षेत्र में अंतर्गत जो शिवानगी नदी है, उस नदी का बिल्कुल मैं मौजूद जहाँ पे कल इसी वक्त 24 घंटा पहले अब बीत चुका है 24 घंटा लगभग। और 24 घंटा होने के बाद यहाँ से बस को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। 30 फीट की गहराई में तमाम जब यात्री सवार थे और बिल्कुल सिख समाज के लोग थे और रांची जा रहे थे, जिस तरह की बताया जा रहा है कीर्तन में एक शामिल होना था, उस कीर्तन में शामिल होकर के उन लोगों को वहां से अपना प्रोग्राम कार्यक्रम में शामिल होकर के इस तरह से जाना था। लेकिन जो अब तक देखा गया कि उन लोग नहीं पहुँच पाए और शिवानगी नदी में यह दुर्घटना देखा गया। सामने है, बिल्कुल है ना? मेरे साथ एक साथी रहते हैं ये भी। जी क्या कुछ जानकारी है भैया कल के बारे में? सर जानकारी मोबाइल के थ्रू हुआ है, मोबाइल के थ्रू ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जिसके चलते मैसेज हमेशा 24 घंटा के अंदर में हर एक पॉइंट पॉइंट का जो भी होता है आ जाता है, ठीक है। घटना का जानकारी जब कल शाम में हुआ है ये जानकारी हमें पता चल गया था, ठीक है। लेकिन बहुत दुख का तकलीफ है कि जो भी आदमी इन लोग जहाँ से भी आए थे, पारसनाथ कहीं प्रस्थान करने के लिए गए थे, वहाँ से लौटने के बाद ये कर्म हुआ। बहुत दुख का बात है कि तकलीफ महसूस करते हैं कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ठीक है। आज 9 लोगों की जान गई है, इसके साथ पता नहीं घर परिवार में क्या तकलीफ है, वही उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। आज हम लोग तो आम पब्लिक आदमी हैं, अगल बगल का आदमी हैं, सहयोग से यहाँ से जो भी एक्सीडेंट हुआ है, जैसे ही हुआ नदी के किनारे गाड़ी गिर गया ही हुआ, पब्लिक उठा पटा करके जैसे भी किया बहुत कुछ किया, ठीक है। लेकिन जिसका जाना था वो चले गए, ठीक है। लेकिन उनका आत्मा 9 आदमी का भगवान से मनाते हैं कि झारखंड सरकार इन लोग को कुछ और झारखंड सरकार है ना, झारखंड सरकार जब झारखंड में हुआ है तो कुछ सरकार तरफ से मेरा निवेदन है कि जो भी 9 आदमी का जो भी जैसे भी आत्मा गया है उनको कुछ सहयोग या कुछ राशि देने का प्रकट कर। क्या नाम हुआ अभी आपका? राजेश कुमार। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कल से लगातार इस घटना से, इस दुर्घटना से हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करके तमाम लोगों का संवेदना जताए हैं और झारखंड मुख्यमंत्री भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए और जानकारी उनके तक मिला है, इस घटना से दुखद महसूस किए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे केंद्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस मामले से ट्वीट करके और बिल्कुल तमाम नेतागण या फिर काले मंत्रीगण या फिर तमाम जो भी सरकार की सीटें पर बैठे हुए तमाम लोग इस
घटना से संवेदना जताए है। लगातार यहाँ पे स्थानीय लोग भी अभी जो मिल रहे हैं, तमाम लोग बिल्कुल इस घटना से संवेदना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो, लेकिन कल जो होना था बिल्कुल तमाम लोगों के साथ हुआ। और सरकार से अब तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि इनके साथ जो राहत बचाव के होता है उन तमाम चीजों पर निगरानी रखते हुए सरकार पहल करे। तो इस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की तस्वीर आपके तक पहुंचाता हुआ भी भारत चैनल के माध्यम से आपके तक हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त काफ़ी संख्या में फिर से मैं उस तस्वीर को दिखाने का कोशिश करूंगा कि कल जो है इसी सड़क से गिरिडीह से होकर आ रहे थे तमाम आ रही थी बस गिरिडीह से होते हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेक जो लगाया गया है, किस तरह से ब्रेक लगाने का प्रयास किया गया, गाड़ी को नियंत्रित करने का कोशिश किया गया, लेकिन गाड़ी जो है उधर से आते वक्त बाया और बाई और अपने किनारे में थे, लेकिन बाई से दाहिने और जो क्रॉस होता हुआ ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से दाहिने और आके आपको बिल्कुल यहाँ पे डिवाइडर में जाके टकराया। और ये डिवाइडर जो है आप देख सकते हैं कि डिवाइडर में टकराता हुआ मैज ये शिवांगी नदी के नाम से जाना जाता है और ये खाई में जाके बस गिरी थी। और इस बस को मैं दिखाने का कोशिश तो करता लेकिन यहाँ पे बस आप जो है निकाल लिया गया है। तस्वीर के मुताबिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवांगी नदी में कल जो है एक शिवानी नदी जो नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दूसरी और पुरानी सड़क जो पुल का निर्माण किया गया है, और जो महज आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इसी सड़क में कल बस क्रॉस कर रहे थे, इसी से आवागमन तमाम बसें और इसी सड़क से होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हजारीबाग से बस भी अभी इस वक्त में बिल्कुल गिरिडीह और बगोदर की ओर निकलते हुए जा रही है तमाम बसें, और इसी जगह में बिल्कुल कल जो है हादसा हुआ था। क्षेत्रीय थाना टाटीझरिया क्षेत्रीय थाना प्रशासन बिल्कुल मौजूद हुए और एम्बुलेंस और बस के माध्यम से तमाम लोगों को यहां से निकाला गया और तमाम लोगों को हजारीबाग स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको भेजा गया। और जैसा कि एकाएक फंसे हुए घंटों बिल्कुल फंसे हुए थे और बस का बिल्कुल अंतिम में गैस कटर ला करके यहां से निकालने का कोशिश किया गया और एकाएक जो है हजारीबाग भेजने का लगातार जारी रहा। जैसा कि आपको बता दूं कि लगभग 7 बज चुका था संध्या, और वैसे स्थिति में भी इस जगह से बिल्कुल रेस्क्यू किया जा रहा था और रेस्क्यू में तमाम लोग जुटे हुए थे, स्थानीय ग्रामीण से लेकर प्रशासन की तमाम लोग यहां पे मौजूद थे और बस इसी स्थान पर मौजूद पड़े हुए थे। और तमाम लोग बिल्कुल यहां पे 45 लोग जो थे बस सवार में उनको निकाल कर बाहर ले जाया जा रहा था। तस्वीर के मुताबिक आपको फिर से मैं आपको दिखा दूं कि जो स्थिति शिवांगी नदी का मैं दिखाने का कोशिश शिवानी नदी का दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। तस्वीर के मुताबिक फिर से आपके साथ मैं अपडेट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड से जो कल एक बड़ी घटना देखा गया कि बस जो है गिरिडीह से रांची के लिए निकली हुई थी और बस में सवार 54 लोगों को बताया जा रहा है, और 54 लोग जो है तमाम इसी जगह में आ करके जो बस अनियंत्रित होते हैं और बस का स्थिति इसी जगह से बिल्कुल दुर्घटना देखा जाता है। अभी भी जो है यहाँ पे आप तस्वीर के मुताबिक देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री लोगों का जूता यहाँ पे बिखराव पड़ा हुआ है, और ये बिखराव कैसे यहाँ पे स्थिति है तमाम चीज़ का एक एक तस्वीरें आपके हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बस की जो यहाँ पे शीशा है बिल्कुल यहाँ पे टूटा हुआ, और जैसा कि कल जो है खाई में गिरा वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि महज करीब यहाँ पे 30 फीट से भी ऊपर का क्यास लगाया जा रहा है जैसा कि महसूस हम कर रहे हैं। और इसी स्थान पर बस जो है गिरी हुई थी, आप देख सकते हैं डिवाइडर कैसे यहां पे टूटा हुआ था, डिवाइडर में टकराए सीधे और किसी तरह से कोई संपर्क नहीं, और बस जो है यहां पे गिर गया खाई में। और ऐसे स्थिति में जो शिवानी नदी का तस्वीरें आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर इलाका तक आपको तस्वीर हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस इलाका में बिल्कुल जब ऐसा हुआ होगा कल 24 घंटा कल इसी वक्त इसी टाइम में जब इस तरह की मामला देखा गया होगा
तो दूर दराज के तस्वीरें आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, और कोई बिल्कुल यहाँ पे दूर दराज तक दुकानें या फिर किसी तरह से गांव टोला कस्बा नहीं है। ऐसे में आवागमन करने वाले ही लोग गुजरते होंगे और तमाम आवागमन करने वाले लोग ही बिल्कुल इस राहत में जुट चुके और तमाम लोग जो है एकाएक पहुंचाने का कोशिश किया। हजारीबाग सदर हॉस्पिटल भी पहुंचाए, क्षैतिज हॉस्पिटल भी पहुंचाए, साथ ही साथ आरोग्यम। और जो बड़ा घटना कल देखा गया जिनके साथ, उसे रांची रेफर किया गया। तस्वीरें आपको ग्राउंड रिपोर्ट करवाता करो ग्राउंड रिपोर्ट करता हुआ जो तस्वीर इस वक्त में आप देख पा रहे हैं, मैं हजारीबाग से लाइव तस्वीरें आपके बीच में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी संख्या में कल यहाँ पे मौजूद थे और इस तरह की मामला देखा गया। जी कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम तो बोकारो से आ रहे हैं जी। कल ये जो घटना आपको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर पेपर या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखे होंगे? अभी तो नहीं देखा, अभी आ रहे थे तो रास्ते में बस देखा, काफ़ी खराब कंडीशन में बस को दिखा कल। इसमें करके लगा कि काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं। कल 54 इस लोग सवार थे, बिल्कुल सब सिख समाज के थे और वैसे स्थिति में गिरिडीह से निकली थी बस और रांची रवानगी हुए थे, लेकिन इस तरह के यहाँ पे अनियंत्रित होते हुए देखा गया। लेकिन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी और वैसे में इनको अब तक राहत पहुँचाने का काम किया है। 9 लोगों के अब तक की भी जानकारी हाथ हो चुके हैं। लापरवाही तो होती ही है, जब बस चलाते हैं तो लापरवाही होती है, छोटी गाड़ियों को भी देखना पड़ेगा बस वालों को और अपने आप को भी और पैसेंजर्स लोग को बचा कर चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी घर के लोग रहते हैं उसमें, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोग की अपनी अपनी फैमिली होती है, तो कम से कम ये सुनिश्चित करना होगा जो भी गाड़ी चलाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आवागमन करने वाले तमाम लोग यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल उनका ब्रेक लग जा रहा है इस घटना को बिल्कुल देखने के लिए, क्योंकि कल के घटना जो दर्दनाक महसूस किया गया था उस दुर्घटना का स्थिति आज भी जो है मुआयना करने के लिए लोग यहां पे रुक जा रहे हैं और ठहर जा रहे हैं और ऐसे में लोग ब्रेक लगा करके यहां तक देखने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं हजारीबाग टाटीझरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत की तस्वीरें आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। शिवानगी नदी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कल 24 घंटा अब बीत चुका है और कल जो यहाँ पे हुआ था इसी स्थान पर और इसी जगह से बस जो है खाई में गिरे और उस दरमियान में जो स्थितियाँ बनी हुई थी बिल्कुल तमाम लोग चिंतित थे, तमाम लोगों के परिवार जो है वैसे में सबके साथ क्या हाल होता होगा ये महसूस कर सकते हैं आपकी उस वक्त के नज़ारा क्या होगा, कैसे लोग महसूस कर रहे होंगे और उसकी तमाम तस्वीरें आपको अपडेट दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि शिवानगी नदी में आप जो है बस बाहर निकाल लिया गया है और बिल्कुल बस जो है यहां से निकालने के बाद जो है अब तक यहां पे तमाम लोगों की जो भीड़े है बिल्कुल यहां पे रुक करके ज़रूर देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा स्थिति में जो आप देख पा रहे हैं आवागमन तमाम लोग करने वाले जो मौजूद हैं यहाँ पर उनकी स्थिति मैं दिखाता हूँ और मैं आपको फिर से एक तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो है आप देख सकते हैं कि जब गिरिडीह के तरफ से ये बस रवानगी हुए होंगे तो आप देख सकते हैं कि ढालू है और जिस तरह से ढालू है बस की गति जब तेज होगी तो और इस जगह में तेज गति बन गया होगा बस का और बस जो है बाई ओर के तरफ में बस बाई ओर थी और बिल्कुल बाई ओर से अनियंत्रित होता हुआ जिस तरह से बस का पोजीशन ब्रेक से पता चलता है कि इस ब्रेक को लगाया गया लेकिन जो है नियंत्रित नहीं कर पाए ड्राइवर और अनियंत्रित होकर के बस जो है इस शिवानी नदी के डिवाइडर में जाकर टकराए और इस डिवाइडर में टकराते हुए बस खाई में जा गिरी और इस तरह की तस्वीरें आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार आपके साथ ग्राउंड रिपोर्टर करने के लिए यहां तक मैं पहुंचा हुआ था और इस वक्त भी भारत चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का कोशिश किया कि बस जो है कल यहां पे जो दुर्घटना हुए थे बस अब बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में तमाम अब जो है स्थितियां बनी हुई है, तमाम लोगों की 45 लोगों का साथ में अब तक इलाज चल रहा है लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो 9 लोगों की अब हाथाहाथ की जान
जानकारी आ चुके हैं और ऐसे में उनके साथ अब भी इलाज जारी है। गंभीरता जिनके साथ देखा जा रहा है उनको रांची रेफर किया गया और उनके साथ इलाज जारी है। तो लगातार खबरें देखते रहे भी भारत और दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।